जो भी दो ठग है ना, जो ठग है ठगी को अनुमति जो है आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ठग हो सकते। ये तेजस्वी यादव का वो बयान है जिसकी वजह से अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मामले को लेकर तेजस्वी के खिलाफ अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में सुनवाई 1 मई को होगी। वैसे तो तेजस्वी का ये बयान 1 महीने पुराना है, लेकिन अब डिप्टी सीएम के इसी बयान की वजह से उन पर कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। बता दें, तेजस्वी यादव ने अपने इस बयान में गुजराती को ठग बताया है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने बयान से भगोड़े मेहुल चौकसी और बीजेपी पर तंज कसा था और इस हमले के बीच उन्होंने गुजराती की तुलना ठग से कर दी थी, जिसके बाद मामले ने 1 महीने बाद फिर तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर गुजरात के अहमदाबाद में एक याचिका दाखिल की गई है और तेजस्वी पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। गौरतलब है कि तेजस्वी से पहले राहुल गांधी के बयान पर भी कार्रवाई की जा चुकी है। मोदी सर ने मामले की वजह से उन्हें अपनी सांसदी तक गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद अब तेजस्वी पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ठग वाले बयान को लेकर तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ती है या नहीं, ये देखना होगा।